शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाइम हो गया, टेबल यहाँ करो। कहा था ना पढ़ाई नहीं, कहा था ना बवाल मचा देंगे, बवाल। अरे अरे क्या कर रहे हो प्रधान जी, रोकिए नहीं। अरे अरे क्या कर रहे हो बच्चे, प्रधान क्या कहा था हमने, पाठशाला की दहलीज पर आकर पाठ नहीं पढ़ोगी? और तुमने इसे परीक्षा देने क्यों दी? प्रधान का मान क्यों नहीं किया तुमने? प्रधान जी मेरी बात सुनिए। विनोद, ये सब क्या कर रहे हो तुम? हम वही कर रहे हैं जो हमारी बेटी के लिए सही है, जनता जनार्दन के लिए, रीति रिवाज के उदाहरण के लिए। धर्म सनातन कर्म ही बेटी का जीवन है, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। आज गांव का प्रधान नहीं, एक पिता कह रहा है, आज से मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी, नए जमाने में कदम नहीं रखेगी, नीति नियम में रहेगी और नीति नियम में पलेगी। रुक जा विनोद, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों अपनी बेटी का जीवन बर्बाद करने में तुले हो? उसे पढ़ने दो विनोद। बनाए रीति रिवाजों के लिए तुम अपनी बेटी का भविष्य खराब कर दोगे? अरे गांव वाले तो कुछ भी कहेंगे। गांव वाले जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मिलो तुम पागल हो गए? अरे तुम्हारी बेटी के बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो तुम्हारे अंदर का पिता बन गया क्या? अरे पिता होने के नाते क्यों अपनी बेटी के सपनों को तोड़ रहे हो, उसको आगे बढ़ने से क्यों रोक रहे हो? गांव के इन पुराने रीति रिवाजों के लिए अपनी बेटी का भविष्य खराब मत करो। अमित तुम बीच में मत पड़ो। क्यों ना पड़ो, आखिर आशी मेरी बेटी जैसी है। बेटी जैसी होना और बेटी होना दोनों में बहुत फर्क है। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो ये गांव वाले तुम्हारे मुंह पर नहीं हमारे मुंह पर थूकेंगे, और ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। इज्जत से जो इज्जत कमाई है ना उस पे तमाचा लगने नहीं देंगे। कल को आशी ससुराल जाएगी ना, वहां उन लोगों की जो मर्जी उससे कराए, उसे पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे, घर बिठाना होगा बिठाएंगे। पागल हो गए पागल, दिमाग खराब हो गया। अब इसे तुम दिमाग खराब समझते हो तो दिमाग खराब ही सही, लेकिन हमारा एक ही जवाब है, अब उसे जो करना होगा वो ससुराल जाने के बाद ही करेगी। अब हम उसे यहां कुछ नहीं करने देंगे। कल को कुछ हो गया ना तो कोई लड़का इसका हाथ नहीं थामेगा। अगर कोई लड़का उसका हाथ नहीं थामेगा तो हम अपने कुणाल की शादी आशी से करवाएंगे। अब तो खुश, अब तो उसे स्कूल जाने दोगे? वक्त के साथ सारे रंग फीके पड़ जाते हैं, सारे वादे दुबले पड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। कल कुणाल को और कोई पसंद आ गई तो? आज शुक्रवार है, अगले दो दिन के बाद सोमवार को आशी का दूसरा पेपर का एग्जाम है। बोलो कराओगे दो दिन के अंदर शादी उससे? बोलो कराओगे शादी उससे? बात करते हो, जाओ जाओ अपने घर जाओ, हम संभाल लेंगे अपनी बेटी को। जैसे पूरा गांव संभालते हैं वैसे ही बेटी को भी संभाल लेंगे, और हम उन दोनों का प्यार रचा देंगे। अगर आशी के आगे पढ़ने की यही शर्त है तो हमें ये शर्त मंजूर है। आशी और कुणाल की शादी दो दिन में करेंगे, दो दिन। इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि हमने कुणाल और आशी की शादी का फैसला आपसे पूछे बिना ले लिया। नहीं, हम जानते हैं भाभी कि जो माँ होती है ना वही अपनी बेटी की जिंदगी संवारती है, बनाती है, उसे विदा करती है। हम भी तो आशी के पिता जैसे हैं ना, वो एक
पिता को जो सही लगा एक पिता ने वही किया। नहीं भाई साहब, हमारी आशी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि वह आपके घर की बहू बने। आपका हाथ उसके सर पर है, अब मरते वक्त सीने में कोई बोझ नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपका हाथ उसके सर पर है। भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आशी यही रहेगी आप लोगों के साथ। हाँ, यही रह के पढ़ेगी वो, और जब वो बड़ी हो जाएगी ना, तब हम बड़ी धूमधाम से अपनी बहू को अपने घर लेके जाएंगे गाजे बाजे के साथ। अरे हाँ भाभी, हम बड़ों ने तो ये फैसला कर लिया, लेकिन आशी को तो अभी इस बात के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो क्या सोचेगी? कहाँ है, कहाँ आशी? हम अभी लेकर आते हैं आशी को। अब तो खुश? आशी, ए आशी, कहाँ चली गई है? आशी, आशी, विशा, आशी को देखा क्या? नहीं चाची, मुझे नहीं पता। क्या हुआ? आशी अपने कमरे में नहीं है। कहाँ चलेगी फिर से ये लड़की? शायद हमें पता है कि वो कहाँ होगी। बाबा, हम तो बस सर की मदद करने आए थे, आज से हम कभी यहाँ पे नहीं आएंगे, हम कभी नहीं पढ़ेंगे। अजीब बेटा, ऐसे नहीं बोलते, विद्या तो देवी होती है बेटा, वो देवी का सत्कार करते हैं, देवी से प्यार करते हैं बेटा, और तुझे तो बहुत पढ़ना है, तू स्कूल आएगी और खूब पढ़ेगी। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अमित काका के बेटे कुणाल से शादी करनी होगी, वो भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर। सच्ची? शादी के बाद हमें पढ़ने को मिलेगा? तो 2 दिन बाद क्यों, आज ही करवा दीजिए हमारी शादी। भाभी, अब की बार ना बड़ा नेक लेंगे कुणाल बाबू के ब्याह में, यही लिए पहले बता दे रहे। एक ही बाबू है आपका, कौनों का सर नहीं छोड़ेंगे, हर रसम पर खींच के नेक लेंगे। अरे बौरा गई हो का? हाँ, क्या नेक शादी, क्या बातें लेकर बैठ गई? हे हमरा बेटा, या ये गांव में शादी करेगा? शहर में पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा वो, अपनी पसंद की लड़की से शादी का। यहाँ लेकिन हम तो, अरे क्या लेकिन, पैर दबाओ। कोई आवाज, दरवाजा खोल के आते। देख भाभी, मुखिया ही नहीं है। जय श्री राम। ये सब क्या है, ये थाल क्यों लाई हो? शगुन का थाल है अमृता। शगुन का थाल? कुणाल और आशी के शादी के शगुन का थाल। अरे बधाई हो भाई, अब तो 2 दोस्तों का परिवार रिश्तेदारी में बदलने जा रहा है। हाँ कुणाल की अम्मा, अब जल्दी से बहू को लेवाने की तैयारी शुरू कर लो। बधाई हो। बधाई हो। बहुत बहुत बधाई। बधाई हो।